सो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोग बताएंगे यदि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर लिया जाता है तो आप उसे रिकवर कैसे कर सकते हैं। गाइस बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताऊंगा। आज तक यूट्यूब पर जितने वीडियो बनाया गया है गाइस वो सारे व्यूज के लिए बनाया गया है, बिल्कुल जेन्युइन तरीका नहीं बताया गया है। गाइस क्या है कि जितने भी वीडियो बनाया गया है इन सारे यूट्यूबर्स का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो हैक नहीं हुआ, लेकिन गाइस क्या है कि आज की इस वीडियो में जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसमें बिल्कुल मेरा एक फ्रेंड का जो पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट था उस पर अच्छे खासे फॉलोअर था और वो हैक कर लिया गया तो उसे मैं रिकवर करूंगा और बिल्कुल लाइव प्रूफ आप लोग बताऊंगा उसे रिकवर कैसे करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो गाइस मैं मनोज, आप देख रहे हैं मनोज दीवान की, अभी तक मनोज दीवान के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी प्रेस कर ताकि जब नया वीडियो अपलोड करेगा तो आपको पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस यदि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर लिया जाता है, यदि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर करना चाहते हैं तो गाइस हम आप लोग यहां पर एक सजेशन देंगे। आपको कोई वेबसाइट से लॉग इन नहीं करना है और आपको गूगल से कोई एपी के इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को भी डाउनलोड नहीं करना है, आपको सिंपली प्ले स्टोर से एक जेन्युइन इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसके बाद गाइस आपको डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइस जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस खुल जाती है। गाइस ये जो नेम है मेरे चैनल का इंस्टाग्राम अकाउंट का आ गया है। इसके बाद दोस्तों आप यदि अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे तो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन गाइस यदि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया है तो आप यहाँ से लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि उसका पासवर्ड वगैरह चेंज कर लिया गया होगा। तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाती है गेट हेल्प विथ साइनिंग के, गाइस तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाती है। यहाँ पे दोस्तों आपको बोल रहा है कि यदि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को यूजर आईडी जानते हैं तो वो डाल देना, ईमेल एड्रेस है, चाहे फोन नंबर है वो डाल देना। तो गाइस जो मेरा फ्रेंड का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो बिजनेस इंस्टाग्राम अकाउंट था, उसका सिर्फ यूजर आईडी है, वो ईमेल एड्रेस और फोन नंबर वगैरह उससे नहीं डाल रखा था। तो गाइस यहाँ पे यूजर आईडी हम डाल के चेक करते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे डालते हैं। तो गाइस मेरा फ्रेंड का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो सोनिया के नाम से थी, तो गाइस हम यहाँ उसका नाम जो है यूजर आईडी का वो हम डाल देते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं जो मेरा फ्रेंड का जो यूजर आईडी था वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे दोस्तों आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाती है, तो सिंपली आपको नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं जो मेरा फ्रेंड का जो पहले का जो यूजर आईडी से जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो ओपन हो गया है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल इसे प्राइवेट कर दिया गया है, इसका फोटो भी यहाँ से हटा दिया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस ये सिर्फ यहाँ पर नाम बच रही है, बाकी सारा चीज यहाँ पर हटा दिया गया, बिल्कुल प्राइवेट इसे जो हैकर जो था इसे हैक करने के बाद बिल्कुल प्राइवेट कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये अकाउंट है वो ओपन नहीं हो सकती है, लेकिन गाइस यहां पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाती है नीड मोर हेल्प, तो गाइस आपको यहां पे क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो इसका जो पेज है कुछ इस तरह के देखने को मिल जाती है। यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं गाइस, यदि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया गया है या तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट को इंस्टाग्राम की तरफ से डिसेबल कर दिया गया है तो यहां पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाती है। लेकिन गाइस यदि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर लिया जाता है तो यहां पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाती है गाइस, यहां पे देख सकते हैं आई थिंक माय इंस्टाग्राम अकाउंट हैव बीन हैक्ड, तो गाइस आपको यहां पे क्लिक कर देना है। तो गाइस चलिए हम यहां पे क्लिक करते हैं। तो गाइस जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करिए तो आपका जो इंस्टाग्राम का पेज है कुछ इस तरह का देखने को मिल जाती है और नीचे को आपको स्क्रॉल करना है गाइस, और जैसे ही आप नीचे का स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे आपको बोल रहा है गाइस कि जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट था वो बिजनेस अकाउंट था या नॉर्मल अकाउंट। तो गाइस यदि आपका बिजनेस अकाउंट था तो यहाँ पे आपको यस कर देना है और नॉर्मल अकाउंट था तो नो कर देना है। तो गाइस जिसका अकाउंट था वो बिजनेस अकाउंट था और ये हैक कर लिया गया है गाइस, तो मैं इसे यस कर दिया हूँ। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गाइस बोल रहा है कि जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट था उस अकाउंट का यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस कि उसका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है कि जिस डेट ऑफ बर्थ से आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए हैं और कब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया गया वो भी डेट आपको डालना है, और आपको ओपिनियन लिखना है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में आप कितना कुछ जानते हैं, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में आप क्या चीज जानते हैं वो आपको यहाँ पे इसको में लिख देना है गाइस, और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो जीमेल आईडी है वहां पर एक मेल भेजा जाएगा गाइस, तुरंत आपको मेल भेज देगा, कम से कम 10 मिनट के अंदर आपको एक मेल आ जाएगा। तो गाइस उस मेल में आपको एक लिंक रहेगा, तो चलिए पहले मैं यहाँ का जो फॉर्म है उसे फिल करता हूँ, उसके बाद मैं आगे प्रोसेस आपको बताऊंगा। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में जो भी ओपिनियन था और उसका डेट ऑफ बर्थ और हैकिंग डेट वगैरह जो था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, और जो भी मेरी जानकारी था मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को मेरे फ्रेंड के इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक संबित का ऑप्शन मिल जाती है, तो गाइस यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा थिंक्स योर फीडबैक हेल्प, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद क्या है कि आपका जो जीमेल आईडी था उस जीमेल आईडी पर एक मेल भेजा जाएगा और उस मेल में आपको एक लिंक भेजा जाएगा। तो चलिए आगे का प्रोग्रेस मैं बताता हूँ। इसके बाद गाइस जो मेरा जीमेल आईडी था मेरे जीमेल आईडी पर एक मेल भेजा गया 10 मिनट के अंदर, जब मेल के अंदर एक लिंक था, जब मैंने लिंक ऊपर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपका
जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो पर्सनल अकाउंट था या बिजनेस अकाउंट था। तो गाइस आपको हम बताते हैं, जो मेरा फ्रेंड का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो बिजनेस अकाउंट था, इसलिए मैंने यहाँ पर यस कर दिया। और यदि आपका पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। यानी गाइस मेरा फ्रेंड का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था उस पर 10,000 फॉलोवर है गाइस, वो बिजनेस अकाउंट था, तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे के कुछ और इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने के लिए बताया जाता है। यहाँ पे गाइस आपको फुल नेम डालने के लिए बताया जाता है, जो आपको रियल नेम है गाइस वो आपको यहाँ पे फुल नेम डाल देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका इंस्टाग्राम का जो नाम था, यूजर नेम था गाइस, वो आपको यूजर नेम यहाँ पर डाल देनी है। और यहाँ पे दोस्तों जो इंस्टाग्राम आपको जिस ईमेल आईडी पर पहले बनाया गया था गाइस, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट था कौन सी कंट्री का था, वो आपको कंट्री यहाँ पर डाल देना है। यूएस का था, इंडिया का था, पाकिस्तान का, नेपाल, भूटान या कोई भी मतलब कंट्री का था गाइस, आपको यहाँ पर कंट्री अपना चूज करके यहाँ पर डाल देना गाइस। आपको यहाँ पर आपको चूज फाइल का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो फोटो था वो और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यानी आधार कार्ड वगैरह या तो कोई भी गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको जो फोटो है वो बिल्कुल रियल डालना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टर्म और कंडीशन का एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद सेंड का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ये सारा फॉर्म फिल करके और सेंड का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको कुछ टाइम लेगा, कुछ देर मान लीजिए 48 घंटे का लमसम एक टाइम लेगा। और उसके बाद दोस्तों आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो रिकवर हो जाएगी और आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉग इन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये मेरा फ्रेंड का जो यहाँ पर फिल करना है उसे मैं फिल करके और सेंड का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो गाइस ये बिल्कुल सिक्योर चीज है, मैं इसे दिखा नहीं सकता हूँ, तो इसे मैं फिल करके और इसे सेंड करेंगे। तो आपका यदि इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ है तो आप भी इस तरह ही करिए। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बिल्कुल गारंटी लेता हूँ गाइस कि 24 घंटे यानी 48 घंटे के अंदर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आपका आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को काफी पसंद आएगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों पर शेयर करिए। जल्दी समय मिला तो कमेंट लिखिए। अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।